Evening, sir. Good evening. So today we will start one important topic like elements of cost. ठीक है, लास्ट में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, सम कॉन्सेप्ट पढ़ाया था. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, विल स्टार्ट. मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आपको थोड़ा बताया था. जैसे हमने कॉस्ट इफ यू डिवाइड इनटू एलिमेंट्स वी विल हैव मेजर थ्री थिंग्स. क्या क्या मिलेगा? मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस. सो दिस इज आवर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट वाइज कॉस्ट. इसमें आपको मिलेगा मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. मैंने आपको बताया था व्हाट इज मटेरियल. मटेरियल इज दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द प्रोडक्ट. फिजिकली जो हम टच कर पाएंगे, विच यू कैन टच. जैसे ये रिमोट बना है, इसका मटेरियल क्या है? प्लास्टिक. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑन विच दिस इज मेड. देयर मे बी सम चिप्स, दैट इज ऑल्सो मटेरियल. देयर मे बी सम अदर डिफरेंट कलर्स यूज. सो ऑल थिंग्स द कॉस्ट विच इज फिजिकली अवेलेबल इन द प्रोडक्ट, दैट इज द मटेरियल कॉस्ट. सिंपल. तो मेजर कॉस्ट कम्स टू मटेरियल. अगेन इन मटेरियल वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल. वन इज डायरेक्ट मटेरियल, वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. द कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. If the remote is a cost object, for one remote, how much is the direct material that is attributable, that is direct. इसको हम डायरेक्ट इसीलिए बोलते हैं, this is variable in nature. This is variable in nature. Because, simple example देखिए. Suppose, मैं एक छोटा सा लेट अस सी एग्जांपल ऑफ चाय. हम लोग चाय बनाते हैं. लेट अस सी दिस इज ए कप ऑफ टी. उसको बनाने के लिए व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? पानी चाहिए, मिल्क चाहिए, टी लीव्स चाहिए, then some flavors, ginger चाहिए, some other things, many other things. इसमें से there may be some, आपने जब मटेरियल चाय बनाते हैं to make it more hygiene, hand gloves, ये भी एक material है कि नहीं? You are also using ठीक है. सो ये सारा मटेरियल मुझे चाय बनाने के लिए चाहिए. देयर मे बी सो मेनी अदर आइटम्स. जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि आई नीड लिटिल सॉल्ट, ठीक है, थोड़ा पेपर, ब्लैक पेपर, सो मेनी आइटम्स आई नीड फॉर मेकिंग टी. इसमें से देखिए व्हिच इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हिच इज इनडायरेक्ट मटेरियल, हाउ टू नो. मैं अगर एक कप बनाने के लिए इफ आई नीड 100 ml, अगर ये मान लीजिए 50 ml चाहिए एंड वन स्पून चाहिए फॉर वन कप, अगर मैं 10 कप बनाऊंगा ये प्रोपोर्शनेटली मल्टीप्लाइड विद 10 होगा, है कि नहीं? सो इसमें आई सी देयर आर डायरेक्टली वेरिएबल टू माय
बट ग्लोव्स, एक कप बनाने के लिए मुझे कितना ग्लोव्स चाहिए? वन पेयर. 10 कप बनाने के लिए 10 पेयर. मैंने एक ग्लोव्स पहना है, उसी से मैं काम कर रहा हूं. एक कप बनाया, मैं डाला क्या है, इट डजंट गेट कंज्यूम्ड, बट दिस इज मटेरियल. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. जो मटेरियल हम खर्चा करते हैं बट इट डजंट वैरी विद द प्रोडक्शन, दैट मटेरियल विल कॉल अस इनडायरेक्ट मटेरियल. ठीक है. सो ये वेरिएबल इन नेचर अगर होता है, द मटेरियल विल बी नोन एज डायरेक्ट मटेरियल और अदरवाइज वी कॉल एज वेरिएबल मटेरियल. सिमिलरली देयर विल बी इनडायरेक्ट मीन्स, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपका ग्लोव्स. आपका झाड़ू भी एक मटेरियल है, यू नीड फॉर स्वीपिंग द हाउस, दैट इज ए मटेरियल वी कैन फिजिकली सी. जैसे कि मान लीजिए इस किताब में देयर आर सम ग्लू इज यूज्ड, गम, उसको बाइंडिंग के लिए गम चाहिए. कितना गम एक बुक में लगा है वी कैन नॉट फाइंड आउट. सो दिस इज वन टाइप ऑफ थिंग. जैसे हम लोग जो प्रोडक्शन बनाते हैं उसमें ग्रीजेस लगता है, कॉटन वेस्ट लगता है, ये सब चीज कंजम्पशन नहीं है बट यूज होता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. अभी समझ में आया डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है. देखिए ये अगर आप समझ जाएंगे व्हिच इज डायरेक्ट, दीज आर जनरली दे आर नेचर ऑफ आइदर फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल. वेरिएबल अलग से है, जैसे कि मैं जो चीज वैरीज इन प्रपोर्शन टू द प्रोडक्शन, एनी मटेरियल आई कंज्यूम मेनली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. अगर मैं चाय का एग्जाम्पल दिया है, अगर मैं 10 कप बनाएगा तो इट विल बी 100 इंटू 10, दिस विल 50 इंटू 10, 10 स्पून लगेगा, है कि नहीं. सिमिलरली शुगर, शुगर में मान लीजिए एक स्पून लगता है, यहाँ पे 10 स्पून लगेगा. सो दीज आर ऑल वेरिएबल आइटम्स. आप 10 से कम देने से चाय का क्वालिटी खराब हो जाएगा. फॉर ईच कप इफ आई रिक्वायर्ड 1 स्पून, फॉर 10 कप्स आई नीड 10 स्पून्स. सो दिस वेरी डायरेक्टली प्रपोर्शन टू माई प्रोडक्शन. बट यहाँ पे क्या है, हैंड ग्लोव्स, इट डजंट वेरी. आप एक ग्लोव्स लगा के भी बहुत काम कर पाएंगे. सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. ठीक है. अभी सिमिलरली यहाँ पे मैं आई विल गेट टू टाइप्स ऑफ लेबर, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्ट लेबर. सपोज ये चाय का, चाय बनाने वाला एक आदमी चाहे कुक, आई हैव ए मेन कुक. कुक का काम क्या है, वो चाय बनाने के लिए. वो बोलेगा मैं पर कप मान लीजिए 2 रुपया लेता है. ही चार्जेस 2 रुपीज पर कप टू प्रिपेयर 1 कप ऑफ चाय. उसका साथ ये अरेंजमेंट हुआ है, भाई मैं 1 कप के लिए 2 रुपया लूंगा क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है, फिर मेजरमेंट करना पड़ता है, क्वालिटी टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए आई नीड 2 रुपीज पर कप. अगर आप 10 कप बोलेंगे तो वो बोलेगा मुझे 20 रुपीज चाहिए, बिकॉज आप पर कप दूसरा से बेचते हैं तो पैसा लेते हैं. आई हैव पुट इन मोर लेबर, सो आई नीड 20 रुपीज. यहाँ पे क्या है, दिस इज वेरिएबल, वो वेरिएबल कॉस्ट, पर कप 2 रुपया लेता है. मान लीजिए देयर इज वन असिस्टेंट, वो क्या करता है, हिज जॉब इज टू सीट देयर, और यू कैन से सुपरवाइजर, यू कैन से सुपरवाइजर. सुपरवाइजर क्या करता है, वो देखता है कि कुक ठीक से काम करता है कि नहीं करता है. उसको हम सैलरी देंगे पर डे का हिसाब से, डेली तुम आएगा, प्रोडक्शन हो या ना हो यू विल बी पेड. सो इट इज एन इनडायरेक्ट लेबर, इट इज नॉट ए डायरेक्ट लेबर. ठीक है. डायरेक्टली ये प्रपोर्स, इट इज एक, अगर कब बढ़ेगा तो उसका सैलरी बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेगा, इट इज कॉल्ड वेजेस. वेजेस इज पेड इन लाइन विद प्रोडक्शन, बट ए सुपरवाइजर का सैलरी जो है इट इज ए पीरियड कॉस्ट.
इट इज गिवेन पर डे, पर डे तुमको 500 रुपया देगा, तुम आके सुबह से शाम तक यहाँ बैठेगा। सो दिस इज लिंक टू विथ टाइम। जैसे जैसे मेरा किसी का सैलरी टाइम का हिसाब से दे रहा है, आई एम लीस्ट बदर्ड अबाउट हिज आउटपुट। उसका कुछ आउटपुट नहीं है, ही जॉब इज टू सुपरवाइज द कुक। कुक अगर कुछ चोरी किया है कि गड़बड़ किया, ही हैज टू रिपोर्ट। उसका काम प्रोडक्शन नहीं है, बट ही इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग द प्रोडक्शन। अगर ये सुपरवाइजर नहीं रहेगा प्रोडक्शन में, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्शन में हैम्पर, इसलिए मैं रखा है। बट ही इज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, ही इज हेल्पिंग इन प्रोडक्शन, सो इट इज इनडायरेक्ट लेबर। तो जैसे कि आप कुछ मजदूर लोग ने मशीन में काम करते हैं, वो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट एक चाय वाला सबको चाय देता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होने से भी लेबर को चाय देगा। सो चाय वाला का सैलरी विल बी इनडायरेक्ट कॉस्ट, बट जो ऑपरेटर का सैलरी विल बी डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। सो कोई भी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का सैलरी विल बी ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर्विस डिपार्टमेंट लाइक यू सी एचआर वाला का सैलरी, दे डोंट डू एनी प्रोडक्शन, बट जो आदमी ड्रिलिंग करता है, जो आदमी ऑपरेशन करता है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, सो वी कॉल देम एज डायरेक्ट वेजेस। वी आर ऑल सपोर्टिंग देम, सो आवर्स इज इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। सो आपको ये इनडायरेक्ट लेबर में आप डिटेल में जब पढ़ेंगे, हम लोग लेबर जब पढ़ेंगे वी विल स्टडी इन डिटेल। अभी के लिए खाली जानिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। सिमिलरली एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। वी कैन सी सम, टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल में आएगा, इट विल नॉट बी एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल इज ए मटेरियल, द मोमेंट यू से रॉ मटेरियल इट इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज इट इज रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा। नाउ एनीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल, जब आप मटेरियल पढ़ेंगे, मटेरियल लाने के लिए जो खर्चा है सब मटेरियल में जाएगा ना। वो मैसेज वो भी है, मैं बता रहा हूँ। सपोज मैं रॉ मटेरियल खरीदा, इसको लाने के लिए बढ़ा दिया, टैक्स दिया, सारे चीज इधर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेंसेस क्या है, व्हिच इज नाइदर मटेरियल नॉर लेबर। ऐसा सोचिए, मैं खर्चा कर रहा हूँ, इट इज नॉट ए मटेरियल, इट इज नॉट लेबर। बोलिए एनीथिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेस। रेंट। पार्डन, रेंट। रेंट, हाउस रेंट। यस रनिंग, यस रेंट। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस। रॉयल्टी, हमारा कंपनी में बड़ा खर्चा होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी हम किसको देते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हैं हमको देना पड़ता है। तो रॉयल्टी देखिए, इट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन नहीं करेगा तो रॉयल्टी नहीं देगा, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। सिमिलरली आप देखिए, आप लोग सपोज यू हैव पेड ए फीस, एडमिशन फीस। एडमिशन फीस इज गिवेन, सपोज आपने बॉयज लोग ने दिया है 5775, क्या पर स्टूडेंट। सो दिस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज एट्रीब्यूटेबल टू द स्टूडेंट। पर स्टूडेंट आई कैन फाइंड आउट, दिस इज द एडमिशन फीस 5775। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इफ ए स्टूडेंट कम्स फॉर क्लास, आई गिव हिम ए बॉटल ऑफ वाटर 20 रुपीज ईच, सो दिस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट आई हैव पुट ए वाटर कैन हियर, जब आप आते हैं वहाँ से एक ग्लास में निकाल के पीते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट, बट इट इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। Where I cannot directly attributable to the cost object. एक आदमी कितना पानी पिया है आई cannot know if I am giving ए can. But if I give you a bottle, the moment you to lift a bottle, I know 20 rupees is charged to you. So this is direct expenses. Same water can be given as a direct expenses, same water can be given as a indirect expenses. You have to think how to treat. मेरे पास क्या option है? It is not possible to measure how much water I have taken, so this is indirect, very simple.
यू अप्लाई योर लॉजिक अकॉर्डिंगली यू कैन नो whether इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. सो अभी मेरा क्या है इसे ये सब पढ़ने के बाद मुझ में व्हाई आई एम मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मैं क्यों कर रहा हूँ, इज फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग एंड प्रॉपर कंट्रोल. ये जो डायरेक्ट क्या है, जनरली डायरेक्ट वाला आप देखेंगे इट इज स्ट्रेट हिटिंग टू द ऑब्जेक्ट. मेरे को इनडायरेक्ट में बहुत सारा भाया मीडिया है बट डायरेक्ट को आई कैन डायरेक्टली एलोकेट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट. पर स्टूडेंट कितना एडमिशन फी है आई कैन वेरी वेल से 5775, नथिंग, इट इज नॉट रॉन्ग. 10 तो स्टूडेंट आंसर से 5775 × 10 है कि नहीं. सो ये मेरे लिए इजी टू नो. सो इसको मैं दिस इज द मेजर कॉस्ट, बाकी खर्चा कुछ पता नहीं. सो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इकट्ठा करते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी गिव ए नेम कॉल प्राइम कॉस्ट. ठीक है. सो प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. समझ में आ रहा है. नाउ अभी मेरा क्या है, व्हाट वी लेफ्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर जो हमने दूसरा पेज में दिखाया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को वी कॉल अनदर नेम. व्हाट इज दैट वी कॉल, एनीबडी, वी कॉल ओवरहेड्स. ठीक है. सो माय टोटल कॉस्ट विल बी प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स विल बी टोटल कॉस्ट. ठीक है. नाउ ये सिंपल है, मैंने डायरेक्ट मटेरियल इधर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इधर लिया, डायरेक्ट लेबर इधर लिया, इनडायरेक्ट लेबर इधर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो टोटल इफ आई टेक एवरीथिंग, दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी माई टोटल कॉस्ट. सो माई टोटल कॉस्ट आई कैन डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स. ये अगर मैं जानता हूं, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स विल बी टोटल कॉस्ट. सिंपल, नो डाउट. नाउ जैसे कि मेरा प्राइम कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट व्हेन आई कम टू ओवरहेड्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. हम सबको मिला दिया है, हमको मिला के हम लोग वी फाइंड बेस्ड ऑन दैट फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. मीन्स ये कॉस्ट क्या करता है, फंक्शनल मीन्स व्हाट फंक्शन डज द कॉस्ट डू, ये कॉस्ट से मुझे क्या मिलता है. देखिए जैसे कि मेरा ये फैक्ट्री है, दिस इज माई प्रेमिसेस. ठीक है, ये मेरा एरिया है, दिस इज फैक्ट्री. जहां पे फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, दिस इज द मेन प्रोडक्शन एरिया एंड दीज आर ऑल सर्विस एरिया. ठीक है. अच्छा, ने फैक्ट्री से निकल के आम एक सेल्स ऑफिस है, माल सेल्स ऑफिस को जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा, प्रोडक्ट फाइनली गोज टू द कस्टमर वाया सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट विल सेल इट. खाली तो प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, there should be some people to do the production, there are some people to support them outside and they produce the goods, send to the sales department, sales department will do marketing and sell to the customers. This is how the minimum channel of a organizations. So ye overheads, if it happens inside the factory, ye area ka andar ka agar ya kya hai, indirect material, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इफ एनी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री और फॉर प्रोडक्शन, वी कॉल देम
factory overheads. What we call factory overheads. So इसके अंदर में जो चीज होता है we call them factory overheads. This is a new thing we can learn. Factory overheads means what is the factory overheads? The indirect expenses, indirect material, indirect labor incurred in the production inside the factory or for the factory is known as factory overheads. Students online understood? अगर कोई भी मेरा इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है, अगर फैक्ट्री के लिए कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए कर रहा है, आई विल कॉल देम फैक्ट्री ओवरहेड्स. सिंपल, वेरी सिंपल. नाउ यू नो व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर कोई भी बोलेगा, सपोज दिस इज ए फैक्ट्री, वी हैव ए मशीन इन साइड द फैक्ट्री, उसका डेप्रिसिएशन विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, मान लीजिए I am giving insurance for the factory. What it will be? Factory overheads. I am paying rent for the factory. It is factory overheads. I am paying a building, painting the building inside the factory. Factory overheads. Why? Our broad understanding is that anything and everything spent for the factory, which is involved in production, should be a factory overheads. इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस. डायरेक्ट तो इधर चला गया. नाउ वी आर ट्रीटिंग व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट. इट मे बी इनडायरेक्ट मटेरियल, इट मे बी इनडायरेक्ट लेबर, इट मे बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस. उसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं. फैक्ट्री के लिए होता है, फैक्ट्री किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए होता है. इट कैन बी नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट कैन बी नोन एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑल्सो इट कैन बी नोन एज वर्क्स ओवरहेड्स. प्रोडक्शन को हम वर्क्स भी बोलते हैं. एनी वे इट कैन बी फैक्ट्री ओवरहेड, इट कैन बी वर्क्स ओवरहेड, इट कैन बी प्रोडक्शन ओवरहेड. समझ में आया? सो ये देखिए, मैंने पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये टोटल क्या मिला मुझे? प्राइम कॉस्ट. आफ्टर प्राइम कॉस्ट माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, देन आई एड हियर फैक्ट्री ओवरहेड्स. व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स? एनी ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन और फॉर द फैक्ट्री और फॉर द वर्क्स व्हिच इज इनडायरेक्ट इन नेचर. डायरेक्ट तो इधर आ जाता. ठीक है, यहां से जो गया गया, जो बच गया, पहला नोटिंग मेरा हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स आर कर दूंगा, आई गेट फैक्ट्री कॉस्ट. क्या मिलेगा मुझे? दिस इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट. सुनिए ध्यान से, फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स दो अलग अलग चीजें. देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स यही है, फैक्ट्री कॉस्ट यही है. व्हेन आई आर प्राइम कॉस्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट बिकम फैक्ट्री कॉस्ट. तो बड़ा कौन है? ये अगर 100 है, ये अगर 20 है, ये होगा 120. ठीक है, सिंपल. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स वी लर्न अप टू नाउ. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री और फॉर प्रोडक्शन और फॉर वर्क्स. ये भी आपको शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. आप बताइए मुझे, फैक्ट्री ओवरहेड्स बड़ा है या फैक्ट्री कॉस्ट बड़ा है? फैक्ट्री कॉस्ट बड़ा है. फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट. एनी डाउट अभी तक स्टूडेंट्स? नो सर. राखी, ओके, नमस्ते. वेरी गुड, वेरी गुड. इफ यू हैव अंडरस्टूड फैक्ट्री कॉस्ट, नाउ लेट अस सी व्हाट आर रिमेनिंग. अभी मैंने आपको, देखिए ये स्लाइड देखिए, मैंने इसका अकाउंट कर दिया. ठीक है, अभी क्या बचा है? सर्विस एंड सेल्स. सर्विस क्या है? सपोर्टिंग और सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट,
directors, finance, HR, admin तो बोल दिया आपका stores, yes, all these people help outside to produce. तो जितना भी मेरे को administrative related expenses है we call them administrative overheads. यहां पे देखिए हम लोग का ये देखिए वंस आई गॉट द फैक्ट्री ओ कॉस्ट आई विल ऐड हियर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओके तब मुझे मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी जाके मुझे प्रोडक्शन का एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा. सुनिए मैंने अप टू फैक्ट्री कॉस्ट देखिए इट इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू आर द सपोर्टिंग पीपुल्स सैलरी. हम लोग का सैलरी कहाँ डालेगा? अल्टीमेटली प्रोडक्शन में हम आएंगे लेकिन हम सेकेंड स्टेज में आएंगे. पहला स्टेज में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकेंड स्टेज में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. इट विल इंक्लूड ऑल योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अदर देन फैक्ट्री ओवरहेड्स. जो भी हम खर्च जैसे कैंटीन चला रहा है, बस चला रहा है, स्कूल चला रहा है, ये सारे चीज हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट एम्प्लॉइज आर हैप्पी, दे प्रोड्यूस. सो दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ठीक है, एनीथिंग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन माई रनिंग ऑफ द कंपनी जैसे डायरेक्टर सैलरी देयरफॉर देयर कॉस्ट इज ऑल्सो देयर, वो सारे चीज मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में बहुत कुछ आएगा. सेल्स मैंने अभी गया नहीं, वी आर इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सेल्स को हम आगे जाएंगे. एनीथिंग अप टू प्रोडक्शन इट हैज टू एलिमेंट्स, वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव में सपोज मेरा पे एक ऑफिस बिल्डिंग, उसका डिप्रिसिएशन, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी ऑफ स्टाफ, कैंटीन एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, एनीथिंग यू कॉल. एक यूनियन को हम लोग एक मीटिंग के लिए 10 लाख दिया है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन इनडायरेक्टली, सो दे कॉल अस व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. स्टूडेंट्स गॉट ए आइडिया व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स? आइडिया मिल रहा है कुछ? हाँ सर. बोलिए सम एग्जाम्पल्स यू टेल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई बोलिए क्या हो सकता है? जैसे मेरा अकाउंट्स बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन देता हूं, मैंने कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द यूनियन ऑफिस, एसोसिएशन ऑफिस का हम पेंटिंग किया है, सैलरी टू द वॉचमैन, सिक्योरिटी, ऑल थिंग्स आर सिक्योरिटी इफ इट इन द प्लांट वर्क्स ओवरहेड, सिक्योरिटी इन द एडमिन बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. क्लियर? नाउ वील अंडरस्टैंड, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड प्लस एडमिन ओवरहेड्स, दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हेन वी स्टडी कॉस्ट शीट इन डिटेल आई विल टेल यू सम एडजस्टमेंट्स आर देयर हियर. नाउ अभी मेरे को प्रोडक्शन हो गया, अभी नाउ नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन इज टू सेल द गुड्स. नाउ फॉर सेलिंग द गुड्स आई हैव सम सेल्स टीम. एवरी कंपनी में कुछ सेल्स टीम रहता है, उनका काम क्या है? जैसे प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा देयर जॉब इज टू सेल. सो इसका ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स. मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आई आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सेलिंग करने के मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक प्रोडक्शन बचाया, एक मेरा गाड़ी में सेल्स वैन में डाल के मैं कस्टमर को भेजा है, वो गाड़ी का जो सेल्स वैन का जो कॉस्ट है दैट इज एग्जांपल ऑफ सेल्स एक्सपेंस, सेल्स ओवरहेड, सेल्समैन सैलरी. सेल्समैन इज नॉट प्रोड्यूसिंग सो इट विल नॉट बी प्रोडक्शन कॉस्ट,
सेल्समैन वी इज ओनली सेलिंग, वो क्या सेल कर रहा है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसी से कुछ अमाउंट कुछ क्वांटिटी सेल किया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम निकालते हैं इट इंक्लूड्स द सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द गुड सोल्ड। ये ध्यान से देखिए, मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, आई टेल यू वन अदर एग्जांपल, मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया मान लीजिए 10 पर यूनिट, तो ये 1000 रुपीज कॉस्ट किया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 10 रुपया करके हुआ, बट आई हैव सोल्ड ओनली आउट ऑफ 100 यूनिट्स पर डोज आई सोल्ड 80 यूनिट्स। तो ये 80 यूनिट्स बेचने के लिए जो सेल्स ओवरहेड हुआ है दैट विल बी एडेड टू द 80 यूनिट्स नॉट टू द 100 यूनिट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने 100 प्रोडक्शन किया है, 100 को 100 नहीं बेचा है, जो सेल्स टीम है दे सोल्ड ओनली 80 यूनिट्स, मान लीजिए सेल्स ओवरहेड इज सपोज 160 रुपीज टोटल खर्चा हुआ है, तो पर यूनिट ये आएगा 80 यूनिट्स 160 डिवाइडेड बाय 80 दैट मीन 2 रुपीज पर यूनिट दे हैव स्पेंड फॉर सेलिंग, सो दिस 2 रुपीज इज सेल्स ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है, नॉट ऑन 100। कभी कभी हम लोग प्रोडक्शन करके कुछ स्टॉक बच जाता है, वो स्टॉक हम बेचा नहीं तो सेलिंग ओवरहेड उसका ऊपर लगेगा नहीं, सिंपल, ठीक है, समझ में, जब प्रॉब्लम करेंगे पता चलेगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग को देखा है, इफ आई ड्रॉ ए कॉस्ट शीट हियर, कॉस्ट शीट लुक्स लाइक दिस, कॉल सिक्स फॉर मान लीजिए एक आइटम के लिए दिया है, ये हो गया टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे हमको लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन वी विल राइट डायरेक्ट मटेरियल। मान लीजिए सपोज 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हमने 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया है, ठीक है, आई एम गिविंग ए इमेजिनरी प्रॉब्लम, डायरेक्ट मटेरियल मान लीजिए सपोज 5000, सब पर यूनिट कितना आएगा, 5000 बाई 1000 5 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर सपोज 7000 ये 7 रुपये आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 सो 15000। एक मिनट रुके थे फोन रुका दे, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट 15000, सो पर यूनिट हो गया कितना 15 रुपया, ठीक है। अभी नाउ व्हाट आई विल ऐड टू दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल इज 3000, सो पर यूनिट विल बी 3 रुपीज, नाउ इट बिकम्स व्हाट फैक्ट्री कॉस्ट, after I add factory overheads what I get is 18000, so it is 18 rupees. Now I am adding here administrative overhead, मान लीजिए यहाँ पे 3500 rupees, ठीक है, so यहाँ पे it will be 3 rupees 50 paisa per unit, so it becomes 21500, this is cost of production 21.5 cost of production, यहां पे मेरे को cost of production मिल गया है, now per unit my cost of production is 21.5, now I have sold, जैसे मैंने example दिया है sold 800 units and
जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस इज, सेलिंग एक्सपेंसेस सपोज मान लीजिए 1600 रुपीज, तो यहाँ पे आई विल डिवाइड 1600 नॉट विथ 1000, आई विल डिवाइड 16000 विथ 800 यूनिट, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 रुपीज पर यूनिट लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए, आई कैन राइट हियर बिकॉज दिस इज 1600 डिवाइडेड बाई 800 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, तो माई कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी अकॉर्डिंगली, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज, ये हो गया मेरा, अभी देखिए, फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स आई विल टेक दिस वन, कितना 0523.5 दिस इंटू 800, यहाँ पे ये फिगर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कुछ स्टॉक बच गया है, सो 800 इंटू 2350 कितना हुआ देखिए, $18,800. सो इफ माई सेल्स इज सपोज 20,000, देन माई प्रॉफिट, इफ आई कॉस्ट ऑफ सेल्स का बाद सेल्स आएगा, इफ आई माइनस दिस आई गेट 1200 एज माई प्रॉफिट, यहाँ पे मान लीजिए मेरा 20,000 डिवाइडेड बाई 800 कितना हो रहा है, मेरा 800 यूनिट बेचा है, 20,000 मिला है, 20,000 बाई 800 25, सो आई एम सेलिंग पर यूनिट एज 25, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है पर यूनिट, कितना हो रहा है 150, देखा, सो दिस इज द कॉस्ट शीट फॉर्मेट, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कुछ दिक्कत नहीं था, यहाँ पे सेल्स का ऊपर कार्रवाई हो रहा है, नेक्स्ट पोर्शन विल बी ऑन द सेल्स, इफ माई प्रोडक्शन एंड सेल्स आर सेम देर इज नो प्रॉब्लम, इफ माई प्रोडक्शन एंड सेल्स आर डिफरेंट यू हैव टू बी केयरफुल, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी ओनली फॉर द सोल्ड आइटम्स, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है, समझ में आया, दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज माई प्रॉफिट पर यूनिट इफ आई डू दिस टाइप ऑफ कॉस्ट शीट, दिस इज अ सिंपल कॉस्ट शीट, दिस इज अ सिंपल कॉस्ट शीट, आपको कॉस्ट शीट जब पढ़ाएंगे हम डिटेल कॉस्ट शीट पढ़ाएंगे, अभी के लिए खाली इतना जानिए हाउ द कॉस्ट शीट इज डन, ऑल कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन दिस, इससे बाहर और कुछ नहीं है, सारे कॉस्ट इसमें आ गया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे बिकम प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का बाद हमने क्या ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, दिस विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन माइनस सेल्स विल बी योर प्रॉफिट, इन ए कॉस्ट शीट वी कैलकुलेट अप टू दिस, इफ दिस इज अप टू कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट विल बी प्रॉफिट और लॉस, पर यू कैन निकल जाना, निकालना पड़े कॉस्ट शीट में, आपको यू शुड बी एबल टू डू पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट, सारा चीज नहीं तो कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं होगा, कॉस्ट शीट में यू हैव गॉट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट, ऑटोमेटिक आपको आएगा, दे आर द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट शीट, अब कॉस्ट शीट तो यहाँ तक कॉस्ट, कॉस्ट शीट मीन्स अप टू कॉस्ट, जब आप कंपेयर करेंगे विद सेल्स यू गेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये दोनों भी आएगा आपका एग्जाम्पल में, ये दोनों भी रहेगा, कभी कभी रिवर्स में होता है, आपको ये अननोन दे देगा, निकालो दिस, आपको रिवर्स में जाके करना पड़ेगा, कभी कभी ये जब आप करेंगे देयर विल बी, ये आपका बहुत सारे प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम आता है, विल स्टडी इन डिटेल कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से कॉस्ट शीट कैसे बनता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट इज डी एम प्लस डी ई प्लस डी एल प्लस डी ई,
ठीक है। इनडायरेक्ट को हम लोग इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जैसे मैं बताया था, दिस इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वी गेट फोर टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, थर्ड इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फोर्थ इज समटाइम्स यू गेट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। वो यहाँ से नहीं आता है, बिकॉज रिसर्च कॉस्ट जो हम करते हैं, दिस हैज गॉट ए लॉन्ग टर्म बियरिंग, इसमें प्रोडक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो कभी कुछ कुछ कंपनी उसको थोड़ा इसमें डालते हैं, कुछ कुछ अलग रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली मोस्टली यूज्ड इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। दिस इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। वी कैन अप नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी मैंने आपको शुरू कर दिया था, जैसे अभी मैं आपको बताया, पहले आपको बताया था आइडेंटिफाइबल, क्या क्या बोला था, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबिलिटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहला क्लास में बताया था बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन बिहेवियर वाइज कॉस्ट का बिहेवियर, इसमें आएगा फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। आपको बताया था कि नहीं बताया था, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इट इज ए बिहेवियरल एस्पेक्ट, जैसे मैं बता देता हूँ। थोड़ा देखिए, अभी जो हमने चाय का एग्जांपल लिया है, देयर आर सम फिक्स्ड एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस डू नॉट चेंज व्हेन प्रोडक्शन चेंजेस, लाइक योर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रूम। ये रूम में 10 बच्चे बैठने से जितना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगा, 20 बच्चे बैठने से भी इतना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगा। सो इट इज ए क्या है, व्हिच कॉस्ट, क्या है, व्हिच टाइप ऑफ कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल? फिक्स्ड कॉस्ट। आप 10 बच्चे बैठने से भी इतना खर्चा होगा, एक बच्चा बैठने से भी इतना खर्चा होगा, मैं लाइट बंद कर देगा क्या? दिस रूम इज हैविंग 50 कैपेसिटी, आप 2 बैठे हैं फिर भी लाइट सब जल रहा है, कोई भी नहीं बैठेगा, हम अकेला पढ़ाएगा तभी भी लाइट जलेगा, 50 बच्चे बैठने से भी लाइट जलेगा। सो लाइटिंग का जो कॉस्ट है, इट इज फिक्स्ड, इट इज जैसे हम लोग बिल पर मंथ देते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू ए पीरियड, नॉट प्रोडक्शन। एनी कॉस्ट रिलेटेड टू पीरियड, दे आर फिक्स्ड कॉस्ट, ये नोट कर लीजिए। एनी कॉस्ट रिलेटेड टू ए पीरियड इज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज व्हाई समटाइम्स फिक्स्ड कॉस्ट आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। जिसको हमने सैलरी पर मंथ दे रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं करने से भी सैलरी मिलेगा, प्रोडक्शन करने से भी सैलरी मिलेगा। अगर हम बोलेगा आई पे यू सैलरी पर ब्रिक्स प्रोड्यूस्ड, सैलरी नहीं वेजेस बोलता हूँ, इफ आई गिव ए पर्सन वेजेस पर ब्रिक प्रोड्यूस्ड, वो आदमी का काम है ईटा बनाना है, ठीक है, पर ब्रिक्स ही इज पेड, तो इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल? क्यों वेरिएबल? Why variable? Because if he doesn't produce, he will not get. If he produce more bricks, he will get more wages. So it is directly linked to the production. Production करेगा तो खर्चा होगा. So this is example of variable. Per bricks. It is a production. और यहाँ पे क्या है? Per month. Rent per month. Depreciation per month. Electricity per month. Insurance per year. जहां पे टाइम लैग लग जाता है,
उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अभी कोई देयर आर सर्टन थिंग्स व्हिच आर नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल, दे आर कॉल्ड सेमी वेरिएबल। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है, कभी देखा है, लंबा सा एक बिल आता है, उसमें मान लीजिए 500 रुपीज आता है, आपका बिल सपोज 500 रुपीज आया है, उसमें देखेंगे वन इज फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड मीटर चार्जेस मान लीजिए 200 रुपया है, एंड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट 300 रुपया है, टोटल मिलके 500 हुआ, है कि नहीं? ऐसा बिल आता है, बिल में दो कंपोनेंट रहता है, वन कंपोनेंट बोलता है आपका आप कुछ यूनिट जीरो होने से भी 200 रुपया देना पड़ेगा, दैट इज द मीटर चार्जेस, और 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, दिस इज आप अगर यूनिट बढ़ाएगा वो रेट बढ़ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, दिस इज ए फिक्स्ड कंपोनेंट, दिस इज ए वेरिएबल कंपोनेंट, बट टोटल आपको बिल आता है 500 रुपया। ये मान लीजिए ये जनवरी का है, फरवरी में आपके ठंड बढ़ गया है, यू हैव कंज्यूम 200 यूनिट्स, तो बिल कितना आएगा, 200 रुपया आएगा प्लस 200 × 3 = 600, आपका बिल 800 रुपया आएगा। यहाँ पे 100 यूनिट था, यहाँ पे 200 यूनिट था, ये 100 के लिए 500 होने से 200 के लिए कितना होना था, 1000 होना था, बट प्रोपोर्शनली चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ओनली वेरिएबल पर्सन चेंजेस, फिक्स पर्सन डजंट चेंजेस। सो यहाँ पे दो एलिमेंट है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेमी वेरिएबल। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी सेमी वेरिएबल। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपका जो डाटा प्लान, मंथली डाटा प्लान इंटरनेट का, आपने बोला कि पर मंथ 200 रुपीज फिक्स्ड है, इफ यू बाई मोर डाटा यू हैव टू पे पर GB 10 रुपीज, सो वहां पे एक रेंटल भी है, GB के लिए भी है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स हम लोग को डे टू डे लाइफ में आता है, वी हैव टू हाउ टू अकाउंट देम वी विल स्टडी। तो बेस्ड ऑन बिहेवियर, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, समझ में आ रहा है और एनी डाउट बोलिए? नो सर। वेरी गुड। एंड ट्रेसेबिलिटी मैंने बताया था ऑलरेडी, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, मटेरियल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बताया, अभी फंक्शन वाइज अभी थोड़ा देर पहले बताया था, फंक्शनल बिहेवियर क्या होगा, फंक्शनल वाइज क्लासिफिकेशंस, जस्ट बिफोर वी हैड डिस्कस्ड। हाँ, इसके लिए फैक्ट्री सेल्स, इसके लिए दे हैव बीन गिवन अस, वन इज प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें देखिए दीज आर डिफरेंट फंक्शंस, प्रोडक्शन हम विस्तार में सुना है, जो चीज प्रोडक्शन के लिए खर्चा होता है, एनी एक्सपेंडिचर विच कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, वी कैन कॉल देम एज प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है, व्हाई वी कॉल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज सेल्स, एनी आइडिया? ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरा कस्टमर है। ठीक है, फैक्ट्री से पहले हम क्या करते हैं, इट गोज टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स मीन्स दे आर ऑल द
gross, they are the main channel partners who sells to the customers. हम directly customer को नहीं नहीं करते हैं. We appoint distributors area wise. You are distributor for Assam, you are distributor for Odisha, distributor for Sikkim. So क्या करते हैं? ये है मेरा distribution cost. Distribution cost is cost from the factory to the distributors or the wholesalers. We can call them as wholesalers. जो customer के पास नहीं जाता है, मैंने जैसे हिंदुस्तान लीवर का माल दे गिव टू द एरिया डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जाता है या रिटेलर के पास नहीं जाता है. ये लोग क्या करते हैं, दे सेंड टू द रिटेलर्स एंड कस्टमर्स. वो छोटा छोटा दुकान को देते हैं और कस्टमर को देते हैं. सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेल्स एक्सपेंसेस. यहां से यहां जो खर्चा होता है सेल्स एक्सपेंडिचर, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सो जनरली हम लोग इकट्ठी ले लेते हैं, बट देर आर कंपनीज हु सेग्रीगेट बिटवीन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दीज आर द लिटिल डिफरेंस. देन आर एंड डी, आई हैव टोल्ड यू एनीथिंग व्हिच इज स्पेंड फॉर ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. लगातार हर कंपनी डिस्कवर करता है. दे स्पेंड मनी ऑन रिसर्च. व्हाई दे स्पेंड मनी ऑन रिसर्च? इफ दे इनोवेट समथिंग न्यू दैट मे सेव द कंपनी इन सेविंग द कॉस्ट. Ultimately, our objective is to how to save the cost, produce the same item or better at a low cost. That will be, आप देखा होगा many things have become simplified now. पहले सब बल्कि बड़ा बड़ा होता था. पहले का टीवी कितना बड़ा होता था, कितना हैवी होता था. धीरे 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 टीवी और कंप्यूटर इतना हल्का हो गया है. दिस कंप्यूटर इज हार्डली हाफ किलो. पहले कंप्यूटर मीन्स इट वॉज 10 किलो 20 किलो लाइक दिस. नाउडेज प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ इनोवेशन, बिकॉज ऑफ आर एंड डी, एवरीबडी ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट. विदाउट वी डू आर एंड डी, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए कॉस्ट कंट्रोल. सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस वेयर यू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ओके. बिहेवियर वाइज मैंने बता दिया अभी. बिहेवियर तो बता दिया, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल. देन अदर थिंग्स विल टीच ब्याज प्रोडक्शन, ये सब बाद में पढ़ेंगे. बिहेवियर एनालिसिस का ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दिया है. फिक्स्ड कॉस्ट, अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, मैंने आपको बताया अभी जो चाय का एग्जांपल है. फिक्स्ड कॉस्ट देन वेरिएबल कॉस्ट, ये हमेशा एग्जाम में आता है. How to know that a cost is fixed and how to know a cost is variable? How do you know? We should adopt some procedures to find out if it is fixed or variable. Fixed cost ka ek characteristics one hai, total cost remains fixed or same. कुछ भी प्रोडक्शन हो जाए, कॉस्ट विल नॉट चेंज. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैंने बोला कि रेंट, ये घर का रेंट आज 500 है, नेक्स्ट मंथ भी 500 होगा, अगले महीने भी 500 होगा. सो यहां पे टोटल इज नॉट चेंजिंग, पर यूनिट कॉस्ट ओनली विल चेंज. क्या है पर यूनिट कॉस्ट? When I have two students today, I paid 500 rupees, per student is 250 rupees. If there are 10 students, per student will be 50 rupees. So it is changing. So ये दोनों test अगर satisfy होता है, then it is a fixed cost. ठीक है? Then I will know this is a example of fixed cost. समझ में आया? Or any doubt? अगर मेरा total cost same रहेगा और पर यूनिट चेंज होगा, आई विल से दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या लाइन रहेगा? आप जो कॉस्ट डालेंगे ऐसे ही रहेगा. दिस इज माई ऑपरेशन यूनिट्स, दिस इज माई कॉस्ट. जैसे जैसे यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स्ड है. दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट लाइन.
मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट इज 1000 रुपीज, मेरा यहाँ पे वी टेक एग्जाम्पल ऑफ रेंट, यहाँ पे जीरो में भी हम 1000 रुपया देगा, 10 बच्चे होने से भी 1000 रुपया देगा, 100 बच्चे होने से भी 1000 रुपया देगा, 1000 बच्चे होने से भी 1000 रुपया देगा, अप टू ए लिमिट, अप टू इज नॉट इन्फिनिट, आवर लिमिट मान लीजिए 50 है, उसी के अंदर में हम देख रहे हैं, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। माई कैपेसिटी का अंदर इट विल नॉट चेंज, एज लॉन्ग एज आई एम द सेम कैपेसिटी माई टोटल कॉस्ट विल नॉट चेंज। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल सिमिलर बोलिए इसी लाइन पे, टोटल कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज चेंजिंग। दूसरा क्या है, पर यूनिट कॉस्ट इज फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है मतलब वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, मैं चाय का हिसाब देखिए, पर कप लेबर कॉस्ट इज 2 रुपीज, हमेशा पर कप ही 2 ही रहेगा, 10 कप होने से 2 × 10, 100 कप होने से 2 × 100, 50 होने से 2 × 50, सो 2 रुपया फिक्स है कि नहीं, पर यूनिट कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज, अगर चेंज होगा तो इट इज नॉट ए वेरिएबल कॉस्ट। एक स्टूडेंट से मैंने 500 रुपया ले रहा है, मीन्स 500 रुपया पर स्टूडेंट इज फिक्स्ड, 2 होने से 1000 लेगा, 3 होने से 1500 लेगा, 4 होने से 2000 लेगा, कोई द्वारा नहीं, सो दिस इज दिस टू इफ इज ओके देन इट इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। देन व्हाट इज सेमी वेरिएबल का रूल क्या है, इसका रूल क्या है, ये क्या करता है, ये दोनों को ले लेगा, ठीक है, ये बोलेगा टोटल कॉस्ट चेंजेस एंड पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस, नाइदर फिक्स नॉर वेरिएबल। आप देखेंगे प्रोडक्शन जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में दिए थे, यहां पे देखिए, यहां पे 100 के लिए 500 था, 200 के लिए 800 हुआ है, सो पर यूनिट अगर कितना पड़ेगा, यहां पे 5 रुपये पड़ेगा, यहां पे कितना पड़ेगा, 800 × 4 पड़ेगा, टोटल चेंज हुआ ये 1000 रुपये है, टोटल चेंज हुआ एंड टोटल चेंज हुआ एंड पर यूनिट भी चेंज हुआ, पर यूनिट 5 का जगह में 4 हुआ, ये 1000 का जगह में 800 हुआ, सो इट इज नॉट वेरिएबल नॉर फिक्स, इट इज ए क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमारा ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जानने का बहुत जरूरी है, ये हो गया सेमी, दिस इज हाउ इफ दिस टू कंडीशन सेटिस्फाई यू नो दिस इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको आप लिख के रखिए, आपका किताब में नहीं दिया होगा, आई जस्ट मेड इट सिंपल, हाउ टू नो ए कॉस्ट इज वेरिएबल फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, यही टेस्ट आपको हमेशा करना पड़ेगा, दैट इज हाउ यू विल नो, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दिस इज वेरिएबल और फिक्स्ड, अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे बेस्ड ऑन द बिहेवियर, दिस इज ए बिहेवियर वाइज। सर यस, In a fixed cost, how the per unit cost remain will change? हाँ, very good. मैंने आपको एक example देता हूँ. मान लीजिए rent 500 rupees I am paying total. And आज मान लीजिए 10 student है. So per unit कितना होगा? Per student 500 × 10 50 हुआ. है कि नहीं? सपोज इफ द स्टूडेंट्स आर 20, पर यूनिट कितना होगा? 500 × 20 कितना हुआ? 25? अभी पर यूनिट कॉस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ?
यस सर ओके इफ आई गट 100, यहाँ पे 5 रुपया, सो ये रेंट का है, ठीक है. सो रेंट इज पर यूनिट चेंजिंग व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स चेंजिंग इन डिफरेंट सिचुएशन. दिस इज नॉट फिक्स्ड, बट आई विल नाउ एग्जांपल एम लाइक सपोज मिल्क. मिल्क मान लीजिए आई स्पेंड पर कप, मिल्क तो टोटल में नहीं देगा, पर कप 2 रुपीज. मैं एक कप के लिए मेरे को 2 रुपये का मिल्क चाहिए. इफ आई मेक सपोज 10 कप टी, ये 10 कप के लिए कितना होगा? अगर 10 होगा तो यहाँ कितना होगा? 20. अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा? 40. 100 होगा तो कितना होगा? 200. यहाँ पे देखिए मेरा पर यूनिट यहाँ पे चेंज हुआ क्या? यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे भी 2 रहा, यहाँ पे भी 2 रहा. पर यूनिट इज चेंजिंग? नो. व्हाट इज चेंज? बट टोटली चेंजिंग 40 बेस्ड ऑन माय यूनिट्स इंक्रीज, ये बढ़ रहा है. सो दिस इज वेरिएबल, दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द कॉस्ट एंड फाइंड आउट व्हेदर इट इज वेरिएबल और कॉस्ट. समझ में आया? यस सर. ओके, वेरी गुड. सो ये आप टेस्ट नोट कर लीजिए. यू कैन डू दिस टाइप ऑफ टेस्ट टू फाइंड आउट इफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल. सो मैंने आप जैसे बताया है, इसके लिए आपका और एक नाम है, दिस इज नोन एज पीरियड कॉस्ट. इसका है प्रोडक्ट कॉस्ट. इसमें क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियड एंड प्रोडक्शन. सेमी वेरिएबल में पीरियड प्लस प्रोडक्शन है. इसको हम सेग्रीगेट करने का मेथड भी हम सीखेंगे. इन कॉस्टिंग वी कैन सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो भी हम सीखेंगे. ठीक है, अभी लिख लिया, आई कैन चेंज. ओके ओके. जैसे मेरा ये ग्राफ है, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, है कि नहीं? व्हेन आई पुट वेरिएबल कॉस्ट ऑन दिस, इट गोज लाइक दिस. दिस इज द टोटल कॉस्ट. सो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है. So this is become my total cost. यहाँ पे जीरो जब था तभी भी मिनिमम 1000 होगा, बिकॉज 1000 इज माई फिक्स्ड कॉस्ट. देन स्लोली जैसे मैंने प्रोडक्शन बढ़ाएगा, माई वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज. सो दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट. सो माई टोटल कॉस्ट विल बी लाइक दिस, दिस एरिया विल बी माई टोटल कॉस्ट. ये सब कॉस्ट लाइन है. उसका पर व्हेन आई पुट माय सेल्स लाइन, इफ आई ड्रॉ माय सेल्स लाइन, दिस इज माय सेल्स लाइन. दैट मीन्स यहाँ से मेरे को प्रॉफिट होगा. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग ऑल कॉस्ट. यहाँ देखिए ये लॉस है, बिकॉज आई हैव टू पे दिस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस दिस थिंग. इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ये सेल्स लाइन है, ये टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन. दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट. सो इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे मेरा कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड सेल्स आर सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, आपको बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा. नाउ लेट अस सी हाउ वी सेग्रीगेट. ये समझ में आया? दिस इज सिंपल हाउ टू सेग्रीगेट. ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर्सन. इसका ये बहुत सिंपल है. फॉर डूइंग दिस आई नीड
टू सिचुएशंस, ठीक है, दो बिल मुझे आप देगा दो महीने का, आई कैन फाइंड आउट कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। उसका सिंपल आई विल टेल यू वन एग्जांपल, आपका किताब में एग्जांपल वन देखिए, आपका बुक नंबर पेज नंबर 32 देखिए, 32 देखिए, इन जनवरी 2022 60 टैबलेट्स वर प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट इज 1700, ओके, एंड नेक्स्ट मंथ 70 प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट इज 1900। अच्छा, दिस इज यूनिट प्रोड्यूस्ड, पहले लेट मी सी व्हाट इज अदर, इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अभी पर यूनिट निकालिए, पहला देखिए 1700 और 1900 आर नॉट सेम, 1700 और 1900 आर नॉट सेम, सो दे आर नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होता तो 60 के लिए जितना 90 के 70 के लिए इतना होता था। नाउ वी नो दिस इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, नाउ वी विल फाइंड आउट पर यूनिट, 1700 बाय 60 करिए कितना हो रहा है, बोलिए 1700 डिवाइडेड बाय 60 कितना निकला, Now for 70 it is 1900, so per unit कितना हुआ, 1900 divided by 70 27.15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे also per unit not same, so this is not a variable cost, so now we concluded by our two tests that totally is changing and per unit is changing, so it is a semi variable cost। ये समझ में आया कि नहीं, हाउ डू आई नो दैट दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, आई डिड टू टेस्ट, टोटल इज नॉट चेंजिंग, टोटल इज चेंजिंग एंड पर यूनिट इज चेंजिंग, सो इट इज नाइदर फिक्स नॉर वेरिएबल, इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन मेरे को क्या करना है, आप देखिए, व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग 60 माई कॉस्ट इज 1700, व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग 70 माई कॉस्ट इज 1900। Now what is the increase? 60 से 70 जाने के लिए 10 यूनिट इंक्रीज हुआ, 10 यूनिट में जैसे बढ़ा दिया मेरा कॉस्ट कितना बढ़ा, 200। दैट मीन्स देर इज सम रिलेशन इज कमिंग आउट, अगर 10 के लिए 200 बढ़ा, एक के लिए कितना बढ़ेगा, फॉर वन यूनिट 200 बाई 10 कितना हुआ, 20 रुपीज। दैट मीन्स आई कैन से दिस इज वेरिएबल एलिमेंट इन दिस, ठीक है, दिस इज द वेरिएबल एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जैसे देखा कि 10 यूनिट चेंज के लिए चेंज इन कॉस्ट इज 200 रुपीज, सो फॉर वन यूनिट इट इज 20 रुपीज चेंजिंग, दिस इज ए बिहेवियर एंड दिस इज नोन फॉर वेरिएबल कॉस्ट। आप देखिए 60 में कितना होगा वेरिएबल इंटू 20 कितना हुआ, 1200। मेरा टोटल कॉस्ट 60 के लिए कितना है, 1700, सो 1700 माइनस 1200 ओनली 500, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। Now I have broken 1700 into two element, that is 1200 plus 500. Similarly, यहाँ पे भी देखिए, for 70 into 2 कितना हो गया, 1400 plus 500 हो गया 1900. Now I have broken semi variable into two parts, fixed to 500 and variable 2 per unit. देखिए कितना सिंपल है, सो माई एवरीबडी अंडरस्टूड, आई विल मेक इट मोर सिंपल, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई
change in quantity, in production or units. If you know this for two situations, you will have variable cost will be this. मेरा change in cost कितना है 1900 minus 1700 divided by 70 minus 60 is equal to 200 by 10 is equal to 2 rupees is the variable cost per unit. ठीक है, ये मिल गया. Once you know this variable element, sir, 20 not 2. Okay, 20. ठीक है, now 20 rupees per unit आपको मिल गया. So now when I put this for 60 units, cost was कितना था 60 units के लिए 1700. So variable element was 20 into 60 is equal to 1200. So fixed element, this minus this will be 500. ठीक है, हो गया. This is how you can segregate the semi variable into fixed and variable portion. So हमारा आंसर मिल गया है, fixed is equal to 500 per month and variable is equal to 20 rupees per unit. This is how you have to write the answer. समझ में आ रहा है? Or any doubt, please. बोलिए, आदिल्या समझ गया, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, then राखी? Yes, sir. Understood? This is very simple but very interesting. आपको यही अगर आ गया ना, you will get 5 marks. बच्चों को इतना भी मालूम नहीं होता है. आपको खाली यही याद रखना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाई आई कैलकुलेटेड चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन प्रोडक्शन. इतना आप दिमाग में लगाइए, दो पीरियड का देगा. पहले आप टेस्ट करिए, डोंट जंप इनटू दिस, पहले ये टेस्ट करिए. मेरे को टोटल इज चेंजिंग, पर यूनिट इज चेंजिंग, सो इट इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट. आपको बोलेगा नहीं कि सेमी वेरिएबल है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप ये पता चल गया, नाउ यू गो टू सेकेंड मेथड, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू योर प्रॉब्लम. आप देखिए इलस्ट्रेशन टू, देखिए इलस्ट्रेशन टू, देखिए segregation of semi variable in, there is another method called linear equation method. This is little technical. Linear equation में भी आप कर पाएंगे. इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल में कुछ डालना पड़ेगा, मीन्स एक्स वाई जेड जैसा. वो सारा दिया है, चेक फॉर टीसी, ये सब नहीं आता है आपको. इफ यू साइंस स्टूडेंट्स कैन स्टडी दिस, दे कैन डू, अदरवाइज जस्ट डोंट ब्रेक योर हेड फॉर दैट. देर इज हाई लो मेथड. हाई लो जब अभी जो हम पढ़ा है, दिस इज हाई लो मेथड. हाई में कितना होता है, लो में कितना होता है, व्हाट इज द चेंजेस. ठीक है, और यू विल बी गिवन टू सिनेरियोस, दोनों में एक बड़ा एक छोटा है. बड़ा से छोटा माइनस कर दीजिए दोनों, कॉस्ट एज वेल एज यूनिट्स डिवाइड कर दीजिए, हो गया हाई लो मेथड. हाई लो मेथड इज इजी, वेरी सिंपल. बाकी आपको जो लीनियर मेथड है, दिस इज एडवांस मेथड, यू कैन यूज दैट. दोज हु आर साइंस स्टूडेंट्स इज इजी, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इतना तो जाने का जरूरत नहीं. यू कैन हाँ एक्स वन वाई डाल के भी कर सकता है, एक्स वाई स्लोप ये सारे चीज है. जैसे कि आप देखिए ये क्वेश्चन दिया है,
first month, second month, third month, fourth month. 1,10,000 rupees, 1,15,000 rupees, 1,11,000 rupees, 97,000. ठीक है. एंड उसका दिस इज द कॉस्ट एंड वॉल्यूम और यूनिट्स. यूनिट्स दिया है डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए 7,000, 8,000, 7,7,6. इसमें देखिए व्हाट आई डू, इसमें हाई क्या कौन सा है, ये है, ये सबसे बड़ा है. मैं क्या करेगा, इसको पहले ले लूंगा, सबसे हाई जो है. लो कौन सा है, ये है. तो ये दोनों फिगर को हम लेगा, मींस 8,000 यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट वाज 1,15,000, देन 6,000 के लिए कॉस्ट इज 97,000. इसमें क्या है ना, मोर अप्रोप्रिएट होगा आपका, यू हैव ए बिगर बैंडविड्थ, उसका अंदर में प्ले हो रहा है. सो दोनों को हम माइनस कर दिया. मेरा 2000 चेंजेस के लिए आई गेट ए चेंजेस इन द कॉस्ट इज 18,000. ठीक है. सो व्हाट इज पर यूनिट, 18,000 बाय 2,000 इज गोइंग टू 9 rupees पर यूनिट. दैट 9 rupees इज वेरिएबल एलिमेंट इन माय टोटल कॉस्ट, 9 rupees पर यूनिट. दिस इज ए हाई लो मेथड. व्हाट आई डिड, मेरे पास चार ऑप्शन है, चार सीनेरियो है, 1, 2, 3, 4. उसमें मैं क्या करूंगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कितना है 8,000, उसके लिए मैं कॉस्ट इज 1,15,000, उसको अलग से ले लेगा हाई. देन लो कितना है, 6,000, 97,000. तो ये ही दोनों का लेके मैंने आंसर किया, हाई लो. ये हाई में, ये लो में. इसमें क्या होता है, मैं अगर ये दोनों को लेके करूंगा द कॉस्ट वेरियस मे बी नॉट अप्रोप्रिएट. मैंने इसके लिए सबसे दोनों में डिफरेंस क्या है वही लेके कर रहा हूं. पर यूनिट, पर यूनिट. पर यूनिट निकलेगा, दैट इज वेरिएबल एलिमेंट. वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट विल बी लाइक दिस, 9 rupees. ठीक है, ये समझ में आ रहा है हाउ इट इज डन. देन 9 rupees लेके मैं जब कैलकुलेशन बैक करूंगा, नाउ आई कैन फाइंड आउट फिक्स्ड कॉस्ट. 9 × 8,000 कितना हुआ, 9 × 8,000 72,000. टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट इज 1,15,000. सो 1,15,000 माइनस 72,000 विल बी माई फिक्स्ड कॉस्ट, है कि नहीं. कितना होगा, 43,000. सो ये 1,15,000 में आई हैव ए टू एलिमेंट्स, फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ 43,000 प्लस 9 rupees पर यूनिट. सो वेरिएबल इज 9 rupees पर यूनिट, फिक्स्ड इज 43,000. ये समझ में आया. उसको लीनियर इक्वेशन मेथड में भी कर सकता है, ठीक है. वो थोड़ा सबके लिए नहीं होगा, यू कैन सॉल्व इट, दोज हु आर साइंस स्टूडेंट्स दे कैन सॉल्व इट इन लीनियर इक्वेशन, बट दिस हाइलो मेथड इज इजी. जरूरत नहीं आपको लीनियर, कभी कभी पूछ लेता है सॉल्व इट थ्रू लीनियर इक्वेशन, इसीलिए आपको जानना जरूरी है. आपको लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तब वो आएगा, बट लीनियर इक्वेशन अभी ग्रुप वन में नहीं है, ग्रुप टू में है, ग्रुप टू में ही पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है. फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग यू नो हाउ टू सेग्रीगेट. अभी एनी डाउट, मैंने जो पढ़ाया है. यस,
अंडरस्टूड. सो इतना हम आज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हैवी हो जाएगा. ठीक है, घर में जाके आप प्रैक्टिस करिए. जो मैं जो चैप्टर ख़त्म किया है उसका थ्योरी पढ़ लीजिए. बहुत सारा थ्योरी मैंने छोड़ दिया है, बट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. कॉस्टिंग का कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा. थ्योरी जब पढ़ लीजिए एक बार. कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़े भी पढ़ाया होगा. अगर डाउट है तो मुझे पूछिए अगले क्लास में, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके ओके देन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर. अंडरस्टूड? नो सर. ओके देन आज के लिए इतना है. सी यू नेक्स्ट टाइम. कल मेरा क्लास नहीं हो पाएगा एंड 24th वी हैव ए पार्टी देयर. All students should come. We have a program for financial planning. Students के लिए भी जरूरी है, members के लिए भी जरूरी है. आप लोग आइए. Saturday there is a program in Duliajan Club. हम लोग chapter का through organize कर रहे हैं. And we have a very eminent speaker and it will be big function. So आप लोग सब आइए. ठीक है? Okay then. Bye.